हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वर्चुअल क्लास में हमने ट्रांसफर मशीन्स के बारे में चर्चा की थी। रेस्पेक्टिव वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आज की वर्चुअल क्लास में हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफर मशीन पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसफर मशीन्स तीन तरह की हो सकती हैं और ये क्लासिफिकेशन मशीनिंग हेड्स के अरेंजमेंट, लेआउट और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफर मशीन इज इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स, जिसमें कि मशीनिंग हेड्स एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं विद हेल्प ऑफ ए कन्वेयर और मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेकेंड टाइप इज रोटरी ट्रांसफर मशीन्स। इसमें मशीनिंग हेड एक सर्कुलर टेबल के अराउंड लगे होते हैं और ये सर्कुलर टेबल इंडेक्स करती है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर मशीन इज ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन्स। इनमें मशीनिंग हेड्स एक ड्रम के अराउंड लगे होते हैं। आज की वर्चुअल क्लास में हम इन टाइप्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स। इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स में एक स्ट्रेट कन्वेयर या सेंट्रल बेड होता है, जिसके दोनों तरफ कई सारे मशीनिंग हेड्स लगे होते हैं और ये मशीनिंग हेड्स एक दूसरे से अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर लगे होते हैं। स्टेट कन्वेयर, जो कि बेल्ट टाइप या चेन टाइप कन्वेयर हो सकता है, इस तरह का कन्वेयर आप प्लेट बेल्ट की तरह समझ सकते हैं। इस कन्वेयर के ऊपर फिक्सर्स या पेलेट्स लगे होते हैं, जिनके द्वारा वर्कपीस को क्लेम किया जाता है। और कन्वेयर को मूव कराने के लिए दो पुलीज लगी होती हैं, जिसमें से एक पुली पर इंडेक्सिंग मैकेनिज्म लगा होता है, जिसके द्वारा कन्वेयर को इंडेक्स करवाया जाता है। वहीं अगर इनलाइन ट्रांसफर मशीन में सेंट्रल बेड लगा हुआ है, तो सेंट्रल बेड में एक फिक्स्ड बीम होती है और इस फिक्स्ड बीम के ऊपर एक मूविंग बीम होती है। मूविंग बीम के ऊपर पेलेट्स लगे होते हैं। इस तरह के सिस्टम को वॉकिंग बीम ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। तो इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स में कन्वेयर लगा हो सकता है या वॉकिंग बीम ट्रांसफर सिस्टम लगा हो सकता है, और इनके दोनों तरफ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर मशीनिंग हेड डोवेल्ड और बोल्टेड होते हैं। यहां आप इनलाइन ट्रांसफर मशीन का चित्र देख सकते हैं, जिसमें कि एक सेंट्रल बेड दिखाया है। सेंट्रल बेड के ऊपर वर्कपीस को होल्ड करने के लिए पेलेट्स दिखाए हैं। तो ये पेलेट्स हैं, फिक्सर्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फिक्सर्स हैं, और इन पेलेट्स के ऊपर वर्कपीसेस दिखाए हैं। यहाँ ये मशीनिंग हेड दिखाया गया है। मशीनिंग हेड में हॉरिजेंटल स्पिंडल्स भी हो सकती हैं और वर्टिकल स्पिंडल्स भी हो सकती हैं, यानी मशीनिंग हेड वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल बोथ डायरेक्शंस में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के मशीनिंग हेड फिक्स्ड पिच पर या अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर लगे होते हैं, और ये मशीनिंग हेड्स वर्कपीसेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आते हैं। और इनके द्वारा जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। हम जान चुके हैं कि ट्रांसफर मशीन के एक एंड पे तो वर्कपीस एंटर करता है और दूसरे एंड पर हमें कंप्लीट कंपोनेंट मिलता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स की जो लेंथ है वो अनलिमिटेड हो सकती है, यानी इसकी लंबाई डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वर्कपीस बहुत ज्यादा भी हो सकती है। यू कैन रेफर दिस ब्लॉक डायग्राम फॉर एग्जाम पर्पस। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये मैकेनाइज्ड वर्क ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया है, और यहाँ पर रेड कलर से ये वर्क पीसेस दिखाए गए हैं और ग्रीन कलर से कंप्लीट पार्ट्स दिखाए हैं। मैकेनाइज्ड वर्क ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दोनों तरफ वर्क स्टेशंस लगे हुए हैं। यहाँ एन नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस दिखाए हैं। ये वर्क स्टेशंस स्पेशलाइज्ड मशीन टूल्स या मशीनिंग हेड्स होते हैं और ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, यानी इनका ऑपरेशन ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए इन्हें ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग स्टेशन भी कहा जाता है। ट्रांसफर लाइन के एक एंड पे तो वर्कपीस या पार्ट्स एंटर करते हैं और उनके
इन वर्क स्टेशंस के द्वारा अलग अलग ऑपरेशंस किए जाते हैं। देन दूसरे एंड पे हमें कंप्लीट पार्ट मिल जाता है। तो इस तरह इनलाइन ट्रांसफर सिस्टम में सिक्वेंसली हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स का एक कंप्लीट लेआउट आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये पेलेटाइज्ड ट्रांसफर लाइन है या मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि पेलेट्स लगे हुए हैं और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दोनों तरफ मशीनिंग हेड्स लगे हुए हैं जिनमें कुछ तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऑपरेशन करने के लिए बने हुए हैं और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये मशीनिंग हेड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। हमने देखा कि ट्रांसफर लाइन के एक एंड पे तो वर्कपीस एंटर करेगा, तो जिस एंड पे वर्कपीस एंटर करता है वहां पर ऑटोमेटिकली बार फीडिंग मैकेनिज्म या ऑटोमेटिकली वर्क लोडिंग सिस्टम लगा होता है। यहां पर वर्कपीस या ब्लैंक लोड होने के पश्चात इन मशीनिंग हेड से गुजरता है, देन अंत में हमें प्रोसेस पार्ट मिलता है। इन प्रोसेस पार्ट को हम यहां से ऑटोमेटिकली अनलोड कर लेते हैं। देन जो एम्प्टी पैलेट्स होते हैं उन्हें इस ट्रांसफर लाइन के द्वारा वापस स्टार्ट पॉइंट पर लाया जाता है और इन सब प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की सहायता ली जाती है, जिसे इस ऑपरेटर कंसोल पर खड़ा ऑपरेटर आसानी से कंट्रोल कर सकता है। यहां आप देख रहे हैं कि जो मशीनिंग हेड्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, इसीलिए इसे इनलाइन ट्रांसफर मशीन कहा जाता है। इन इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, कईयों में स्पेस की वजह से ये एल शेप में भी हो सकता है, कई में ये यू शेप में भी हो सकता है। मॉडर्न इनलाइन ट्रांसफर मशीन की फोटो आप यहां देख सकते हैं। इस मशीन में यहां पर एक कन्वेइंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दोनों तरफ मशीनिंग हेड्स लगे हुए हैं। ये मशीनिंग हेड एक कास्ट आयरन फ्रेम के साथ बोल्टेड है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पेलेट्स लगे हुए हैं जिसके द्वारा वर्कपीस को एक मशीनिंग हेड से दूसरे मशीनिंग हेड में ट्रांसफर किया जाता है। यहां आप देख रहे हैं कि कुछ मशीनिंग हेड्स की जो स्पिंडल है वो तो हॉरिजेंटल है और कुछ मशीनिंग हेड की स्पिंडल वर्टिकल है। अगर हम इस मशीन का टॉप व्यू देखें तो आप यहां देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मशीनिंग हेड्स डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हैं और ये मशीनिंग हेड वर्टिकल डायरेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन मशीनिंग हेड्स के द्वारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस जैसे कि टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग, मिलिंग जैसे ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल जो मॉडर्न इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स होती हैं उनमें हम एक फिक्स्ड प्रोडक्ट के अलावा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी आसानी से बना सकते हैं, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशंस भी आसानी से किया जा सकता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन आवर डिस्कशन वी कैन पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स अबाउट इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स। इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई की जा सकती हैं। फर्स्ट वन इज पेलेट टाइप इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स, जिसमें कि मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पेलेट्स जो कि स्पेशल टाइप फिक्सर्स होते हैं लगे होते हैं। इन पेलेट्स की सहायता से वर्कपीस जहां एंटर करता है वहीं से उन्हें क्लेम किया जाता है, देन वन बाई वन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजा जाता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इनलाइन ट्रांसफर मशीन इज प्लेन टाइप और नॉन पेलेट टाइप इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स। इन मशीन्स में वर्कपीस को इनिशियली क्लैंप नहीं किया जाता, लेकिन जब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं यानी कि जब वो मशीनिंग हेड के पास आता है तब उन्हें डोवेल लोकेटर्स की सहायता से या हाइड्रोलिकली एक्टेड क्लैंप्स की सहायता से होल्ड और क्लैंप किया जाता है। तो इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स में कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए या तो स्पेशल फिक्सर्स जिन्हें कि पेलेट्स भी कहा जाता है लगे हो सकते हैं
और अगर वो प्लेन टाइप इनलाइन ट्रांसफॉर्म मशीन है तो उनमें डोवेल लोकेटर्स या हाइड्रोलिक एक्टुएटेड क्लैंप्स लगी हो सकती हैं। अगर हम पेलेट टाइप इनलाइन ट्रांसफर मशीन की बात करें तो इनमें एक रैपिड मूविंग रिटर्न कन्वेयर जो कि मेन ट्रांसफर लाइन के पैरेलल होता है लगा होता है, जिसके द्वारा एम्प्टी पेलेट्स को बहुत ही फास्टली रिटर्न करवाया जाता है। साथ ही हमने देखा कि इनलाइन ट्रांसफर मशीन की जो साइज है वो अनलिमिटेड हो सकती है। अगर हमारे पास फ्लोर स्पेस का कॉन्स्टेंट नहीं हो तो हम इनलाइन ट्रांसफर मशीन को अनलिमिटेड बना सकते हैं, यानी किसी ऐसे वर्कपीस जिस पर हमें ढेर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो उन्हें हम आसानी से यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल में जो इंजन सिलेंडर ब्लॉक होता है उसकी मशीनिंग करने में हमें बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं और उन्हें इन मशीन्स पर आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स में मशीनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के अलावा इंस्पेक्शन और कई बार असेंबली ऑपरेशंस के लिए भी स्टेशंस लगे हो सकते हैं। मेन एप्लीकेशंस ऑफ इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स आर फॉलोइंग्स: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजन सिलेंडर ब्लॉक्स, स्टीयरिंग्स, सस्पेंशन सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरिंग में इनलाइन ट्रांसफर मशीन का उपयोग किया जाता है। साथ ही इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, प्रिंटर्स एंड कॉपियर्स के कंपोनेंट्स, लॉन एंड गार्डन इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स, हाइड्रोलिक मशीनरी के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस रोटरी ट्रांसफर मशीन्स। रोटरी ट्रांसफर मशीन्स में एक सर्कुलर टेबल लगी होती है। इस सर्कुलर टेबल पर वर्क पीसेस को लोड किया जाता है, हेल्ड किया जाता है, लोकेट किया जाता है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर मशीनिंग हेड्स लगे होते हैं। ये मशीनिंग हेड्स अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर या फिक्स्ड पिच पर लगे होते हैं, जैसे कि हमने इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स में देखा था। वर्क पीसेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इन्हें एक मशीनिंग हेड से दूसरे मशीनिंग हेड पर भेजा जाता है और इसके लिए सर्कुलर टेबल को इंडेक्स करवाया जाता है। रोटरी ट्रांसफर मशीन को समझने के लिए हम इस चित्र की सहायता ले सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि ये इंडेक्सिंग टेबल दिखाई गई है। इस इंडेक्सिंग टेबल में इंडेक्सिंग मैकेनिज्म लगा होता है, ये जनरली जिनेवा मैकेनिज्म होता है। इंडेक्सिंग टेबल पर फिक्सर्स या पैलेट्स लगाए जाते हैं जिनके द्वारा वर्कपीस को हेल्ड किया जाता है और इस टेबल के अराउंड नंबर ऑफ मशीनिंग हेड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ ये मशीनिंग हेड्स लगे। ये मशीनिंग हेड्स एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड होते हैं। इनमें से कुछ मशीनिंग हेड्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मशीनिंग कर सकते हैं और कुछ मशीनिंग हेड वर्टिकल डायरेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आते हैं। वर्क पीसेस को एक मशीनिंग हेड से दूसरे मशीनिंग हेड पर ट्रांसफर करने के लिए इस टेबल को इंडेक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम पर्पज यू कैन रेफर दिस ब्लॉक डायग्राम। हेयर यू कैन सी दिस इज द सर्कुलर टेबल विच कैन बी इंडेक्सेस। और इस टेबल के एक जगह पर जिसे कि स्टार्ट पॉइंट कहा गया है पार्ट्स या वर्क पीसेस को लोड किया जाता है। देन इन पार्ट्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजने के लिए सर्कुलर टेबल को इंडेक्स किया जाता है, यानी इंटरमीडिएटली रोटेट करवाया जाता है। इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर मशीनिंग हेड्स जिन्हें कि ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग स्टेशन या ऑटोमेटेड वर्क स्टेशन भी कहा जाता है लगे हुए हैं। इनके द्वारा ऑटोमेटिकली वर्क पीसेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, देन एंड में हमें कंप्लीट पार्ट मिल जाता है। रोटरी ट्रांसफर मशीन के बारे में और अधिक समझने के लिए हम इस फोटो की सहायता ले सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक सर्कुलर टेबल बनी हुई है और इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर नंबर ऑफ मशीनिंग हेड्स लगे हुए हैं। इनमें से कुछ तो हॉरिजेंटली हैं और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में, और इन सब की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल लगा हुआ है।
इस तरह हम देख सकते हैं कि रोटरी ट्रांसफर मशीन में हम कम स्पेस में भी किसी वर्कपीस पर ढेर सारे ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर रोटरी ट्रांसफर मशीन को हम टॉप से देखें यानी टॉप व्यू देखें तो हम आसानी से सर्कुलर टेबल और मशीनिंग हेड्स के अरेंजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ किसी रोटरी ट्रांसफर मशीन का टॉप व्यू दिखाया है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि सर्कुलर टेबल पर वर्कपीस को लोकेट किया गया है और इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये मशीनिंग हेड्स लगे हुए हैं। इन मशीनिंग हेड्स में नंबर ऑफ टूल्स लगे हुए हैं जो वर्कपीस पर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह हम कम स्पेस में किसी वर्कपीस पर आसानी से नंबर ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ ऑन बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन वी कैन पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स अबाउट रोटरी ट्रांसफर मशीन्स। रोटरी ट्रांसफर मशीन्स में वर्कपीसेस आर लोकेटेड ऑन सर्कुलर टेबल एंड दे आर इंडेक्सेड अराउंड ईच सक्सेसिव स्टेशनरी मशीनिंग स्टेशंस एंड द सर्कुलर टेबल टॉप इज सपोर्टेड ऑन ए हाई क्वालिटी बियरिंग सिस्टम एट इट्स सेंटर एंड देर इज ए ड्राइविंग मैकेनिज्म और अरेंजमेंट फॉर इट्स इंडेक्सिंग। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट रोटरी ट्रांसफर मशीन इज सिंपलर देन इन लाइन ट्रांसफर मशीन्स एंड रोटरी टाइप ट्रांसफर मशीन्स आर मोस्टली यूज ट्रांसफर मशीन्स यानी वी कैन से दीज आर मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसफर मशीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन दीज रोटरी ट्रांसफर मशीन्स। यहाँ पर ऑटोमेटिव रिलेटेड कंपोनेंट्स जो कि रोटरी ट्रांसफर मशीन से बनाए जाते हैं दिखाए गए हैं, जिसमें ये कास्ट आयरन सस्पेंशन नकल है। इसमें सस्पेंशन नकल से संबंधित पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ ये कास्ट एल्यूमिनियम मोटरसाइकिल ब्रेक के लिपर दिखाया है। इसमें भी ड्रिलिंग, बोरिंग, टेपिंग, मिलिंग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ये स्टाम्प स्टील ऑटोमेटिक फिल्टर बेस प्लेट्स दिखाई हैं जिनमें डिफरेंट साइजेस के होल्स किए जाते हैं। ये एल्यूमिनियम सैंड कास्ट थर्मोस्टेट हाउसिंग दिखाई गई है। इसमें भी डिफरेंट होल्स को ड्रिल किया जाता है, बोर किया जाता है, टेपिंग की जाती है। यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के रिलेटेड कंपोनेंट दिखाए गए हैं जैसे कि हम बटरफ्लाई वाल्व बॉडी जो कि कास्ट आयरन या ब्रास या स्टेनलेस स्टील से बनी हो सकती हैं में होल्स को ड्रिल करते हैं, बोर करते हैं, इनकी चैम्फरिंग करते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप मोटर बॉडीज दिखाई हैं जो डक्टाइल आयरन की बनी हुई हैं। इन पर हम मिलिंग के द्वारा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, होल्स को ड्रिल करते हैं, बोर करते हैं, टेपिंग करते हैं और फिनिशिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं जो ट्रांसफर लाइन पर बनाए जाते हैं। ये डाईकास्ट एल्यूमिनियम मोटर एंड शील्ड दिखाई है। ये डाईकास्ट कनेक्टर रॉड्स फॉर एयर कंप्रेसर दिखाए हैं। ये वॉशिंग मशीन की आउटर ट्यूब बियरिंग है जो सिनेटेड मेटल प्रोन से बनी हुई है। इसमें हम ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, चैम्फरिंग इवन फिनिशिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर फिटिंग और प्लम्बरिंग रिलेटेड कंपोनेंट दिखाए हैं जैसे कि कपलिंग, इन्हें लॉन्ग ट्यूब्स से बनाया जाता है। इस पर हम साइन, थ्रेडिंग एंड चैम्फरिंग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये यूनियन नट्स या कपलिंग्स या हाई प्रेशर वेल्डेड फिटिंग्स दिखाई गई हैं जिन पर भी हम चैम्फरिंग, थ्रेडिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ ये कास्ट ब्रास वाल कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं जिन पे भी हमें डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। इस तरह हमने देखा कि रोटरी ट्रांसफर मशीन्स पर हम ढेर सारे कंपोनेंट्स को भी जिन पर हमें नंबर ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर
मशीन्स, दैट इज ड्रम ट्रांसफर मशीन्स। इन ट्रांसफर मशीन्स में एक ड्रम होता है जो हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। चूंकि यहां पर ड्रम इंडेक्स कर सकता है, इसीलिए ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन्स रोटरी टेबल टाइप ट्रांसफर मशीन्स के लगभग सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है, क्योंकि इनमें रोटरी टेबल या इंडेक्सिंग टेबल की जगह एक ड्रम का प्रयोग किया जाता है जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट इंडेक्स कर सकता है। सो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रम ट्रांसफर मशीन इज ऑल्सो ए रोटरी ट्रांसफर मशीन, वेयर रोटरी टेबल इज रिप्लेस्ड बाई ए रोटेटिंग ड्रम अलोंग ए हॉरिजेंटल एक्सिस। ड्रम ट्रांसफर मशीन को इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। इन ट्रांसफर मशीन्स में एक ड्रम लगा होता है जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट इंडेक्स करता है। इस ड्रम के अराउंड मशीनिंग हेड्स लगे होते हैं। यहां पर दो मशीनिंग हेड्स दिखाए हैं, एंड दिस स्टेशन इज लोडिंग एंड अनलोडिंग स्टेशन, यानी यहां पर ड्रम के ऊपर जो पेलेट्स हैं उनमें वर्क को लोड किया जाता है, देन वर्क पर ऑपरेशंस होने के पश्चात यहां पर कंप्लीट पार्ट को अनलोड कर लिया जाता है। कई ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन्स में जो ये निचला स्टेशन होता है ये आइडल होता है, क्योंकि यहां पर स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण मशीनिंग हेड्स को लगाना डिफिकल्ट होता है। सो वी कैन से इन दीज मशीन्स द वर्क पीसेस आर फास्टन थ्रू आउटर सरफेस और पेरिफेरी ऑफ ए ड्रम, एंड वर्क स्टेशन आर रेडीली पोजिशन अराउंड दी पाथ एट इक्वल डिस्टेंसेस। ड्रम ट्रांसफर मशीन्स में लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होने के कारण, या कहें कि लिमिटेड नंबर ऑफ मशीनिंग हेड्स लगा पाने के कारण, ड्रम ट्रांसफर मशीन्स आर हैविंग लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी। इस कारण से ड्रम ट्रांसफर मशीन्स को ऐसे वर्क पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया जाता है जिन पर हमें बहुत कम ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो, और इसी कारण ड्रम ट्रांसफर मशीन्स आर रेयरली यूज्ड।